हवा सुन रहे हैं ना। नी 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 नी। खेतों में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। चला जी नाश्ता करने के बाद अभी यहाँ पर चल रही है भाई टी पार्टी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक नए दिन के साथ में एक नई वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो आप सभी को इस पहाड़ी बुला का प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप सब लोग अपने परिवार के साथ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से। आज की ब्लॉग की शुरुआत इन हसीन वादियों से हो रही है और सुबह के 7 बजे से हो रही है दोस्तों। आज मैं सेम मुखेम वाली रोड पे आ रखा हूँ और यहाँ पर से मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। हमारे गांव में नेटवर्क बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, तो कल वाली वीडियो भी मैंने यहीं से अपलोड करी थी। एक बार मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाली रोड जो नीचे से आ रही है ये आपकी आ रही है लमगांव, ऋषिकेश, देहरादून, यहाँ से भी लोग आते हैं तो इसी रोड से होते हुए आते हैं और यही रोड हमारे गांव की तरफ भी जारी है। वहाँ आगे हमारा गांव है और अपने गांव से लगभग 10-15 किलोमीटर में आगे आया हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, उसे अपलोड करने में, वीडियो को टाइम देने में। तो दोस्तों जिस प्रकार से आप इस पहाड़ी बुला को प्यार दे रहे हैं उसी प्रकार से पहाड़ी बुला पर अपनी कृपा बनाए रखें और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और अच्छी वीडियो में ला पाऊँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगा जहाँ पर कि नेटवर्क और अच्छे होंगे और वहाँ पर स्पीड और अच्छी आएगी। तो बाकी आप इन नज़ारों का मज़ा लीजिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। और इस रोड की बात करूँ तो ये रोड भाई बहुत ही ज़्यादा संकरी है और आगे जाते जाते ये और ज़्यादा संकरी हो जाती है। तो आप जब भी आएँ तो बहुत ही ज़्यादा सेफ यहाँ पर चलें। फाइनली मैं इस जगह पे पहुंच गया हूं। बाकी भाई मेरे पीछे का आप जरा व्यू तो देखो, एक नंबर वाला व्यू आ रहा। और बाकी चलो मैं अभी फटाफट वीडियो को अपलोडिंग पे लगाता हूं। फाइनली भाई 1 घंटे बाद वीडियो अपलोड हो गई है और आज यहां पर नेट कल से स्लो चल रहा था। कल तो बढ़िया स्पीड आ रही थी लेकिन आज उतनी खास स्पीड नहीं आ रही थी। आज पूरा 1 घंटा लगा वीडियो अपलोड होने में। अभी चलते हैं यहाँ से। जितनी सुंदर ये रोडें लगती हैं ना दोस्तों, टेढ़ी मेढ़ी सी, मस्त इसमें बाइक चलाने में मज़ा आता है, उतनी ज़्यादा खतरनाक भी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तीखे बैंड हैं। जय गुरु चौरंगनाथ की। चलिए जी, मैं और मेरी पुष्पा पहुंच गए हैं भाई अपने गांव में और यहां से जाएगी भाई पुष्पा सीधे घर पे। और भाई साहब काफ़ी टाइम बाद मैं इधर को गाड़ी चला रहा हूँ ऐसे में, तो मुझे काफ़ी डर भी लग रही है भैया। कोई ढलान है इधर को, भाई साहब बहुत संयम से और सावधानी से गड्डी चलानी पड़ती है, नहीं तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। वो तो अच्छी बात ये है कि प्रधान जी बोले तो अपने चाचा जी ने रास्ता थोड़ा बहुत ठीक करवा दिया है और अभी और काम होना इस पर बाकी है। तो चलिए जी, वीडियो अपलोड करके मैंने पब्लिक कर दिया है और अभी मैं वापस अपने घर पे आ गया हूँ और सीधे सबसे पहले भाई मैंने नाश्ता करा और यहाँ पर ज्योति भी नाश्ता कर रही है। नाश्ते में आपकी बीन की सब्जी और आलू, ये देखिए जी। चलो अभी बढ़िया से नाश्ता एंजॉय करते हैं। तो चला जी, नाश्ता करने के बाद अभी यहाँ पर चल रही है भाई टी पार्टी। मतलब जब भी टाइम पास करूँ तो भाई चूल्हे चाय बढ़ जाती और फर्स्ट क्लास टाइम पास। चलिए जी, बढ़िया करके दिन का हमने खाना खा लिया है और अभी हम खेतों की तरफ जा रहे हैं और कल रुपाई लगनी है हमारी, तो देखने जा रहे हैं कि पानी पूरी ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैसे माँ जी लोग गए थे दिन में नदी में, तो नदी से पानी वगैरह नहर नहर साफ़ करी तो अभी अच्छा खासा पानी आने लग गया। तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है रुपाई की कि भाई पानी ठीक ढंग से जा रहा है कि नहीं जा रहा। बाकी ये है भाई अपनी राइट हैंड, ये मेरी भुली है और इसकी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, गजब वाले जूते पहन रखे भाई इसने। देखो भाई जरा इसके जूतों के साइन देखो जरा, फटे नहीं तब तक पूरे। हाँ जब तक थोड़ा सा ही निकल रखा है एक तरफ से, जब तक ये पूरे नहीं। चलते हैं अभी हम खेतों की तरफ और भी आगे हैं खेतों की तरफ। कल ना मौसम का कुछ हिसाब किताब कुछ अलग ही हो रखा है। सुबह से मौसम बिल्कुल एकदम साफ रह रहा और दिन में ना काले काले घने घने बादल आ गए। और माँ जी ने भाई बहुत अच्छी गोभी लगा रखी है, कल भी मैंने आपको दिखाया। इधर की तरफ बीन्स लगा रखी है और बीन इनमें भाई हो भी गई। ये देखो भाई बढ़िया बीन लग रखी है इनमें और सुबह भी हमने बीन की सब्जी खाई तो यहीं से लाई। बहुत सारे केले भी लग रखे भाई। चलिए जी, गांव वालों की मेहनत काम आई और अभी नहर में ना बहुत सारा पानी आ गया, इतना पानी आ गया भाई कि ओवरफ्लो हो रहा।
आगे पे से ना ओवरफ्लो हो रहा। एक ये वाला खेत लगना है हमारा कल, और उसके लिए माँ जी धान उपाड़ रही है यहाँ पे से। ये जो धान की क्यारी होती है इसको हम बिना बोलते हैं अपनी गढ़वाली भाषा में। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ। यहाँ पर माँ जी ना धान को निकाल रही है ताकि हमारी कल रुपाई हो जाए। पहले से पानी नहीं डाला हमने तो इसलिए उखाड़ने में दिक्कत हो रही है। आवारा जानवर भी थे इधर को, तो इन्होंने भाई कई बार खाया ये, कई बार माँ जी ने फिर से लगाया। तो चलिए भाई, मैंने खेतों में पानी लगा दिया है और अभी मैं बाजार जा रहा हूँ, बाजार से थोड़ा बहुत सामान लाना है। यहाँ से हमारा गाँव का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। गांव से हमारा मार्केट थोड़ी दूर पे है, 250 मीटर की दूरी पे होगा हमारा मार्केट। तो ये अच्छी बात है भाई कि मार्केट काफी नजदीक है, इससे सामान लाने में ले जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। मार्केट और बीच में दिख रहा है आपको, ये है टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड। चलिए भाई, मार्केट से आ गया मैं बड़ी मुश्किल से। और बड़ी मुश्किल से मैं पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं मार्केट गया और काफ़ी दिनों के बाद मुझे दो चार दोस्त मिले, उनके साथ थोड़ा हेलो हाई हुआ। और हेलो हाई करते करते भाई दो ढाई घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। बाकी मैंने ये सामान ले लिया है, बहुत भारी हो रहा है। चलिए जी, मार्केट से मैंने सामान ला दिया है और अभी भाई बिस्किट का मज़ा लिया जा रहा है। थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, खेतों की तरफ जाता हूँ क्योंकि कल की तैयारी करनी है। सारे खेतों में भाई पानी अच्छे से पहुँचना चाहिए। तो चलिए भाई, अभी मैं अपने गौशाला से होते हुए जा रहा हूँ खेतों की तरफ, तो आपको अपना गौशाला भी दिखाता हूँ। यह भाई अपनी संतोषी, यहाँ पर पहचान रही मुझे, बहुत टाइम बाद आता हूँ तो भाई इससे गुस्सा भी आ जाता, पता नहीं कौन है ये। बोल रही भाई कहाँ जा रहा है, देखो ये देखिए संतोष जी अंदर बैठे हैं आराम से। ये है जी अपना गौशाला। गौशाला में माँ ने भाई बहुत ज्यादा मेहनत करी खुद। गौशाला के आगे पे माँ जी ने राई लगा रखी है, देसी राई है। चलिए जी, मैं पहुँच गया हूँ अपने खेतों में और यहाँ आप देख सकते हैं ये धान के बिन्ने डाल रखे हैं। बोले तो धान के जो बीज होते हैं उनके यहाँ पर क्यारी निकाल रखी है। तो माँ जी ने पानी लगा दिया है, यहाँ से माँ जी ने भाई पानी लगा रखा है अपने खेत में। और ये देखिए यहाँ से होते हुए ये हमारे खेत में जा रहा है, और खेत भी ठीक ठाक बड़ा है ये, तो इसलिए हमने पहले ही दिन इसमें पानी लगा दिया है। और सामने पे माँ जी ने कूड़ा कबाड़ जला रखा है, जितने भी खेत का जो करकट रहता उसमें आग लगा दी है ताकि जब कल रुपाई लगेगी तो खेत साफ सुथरा रहे, मैया लगाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और वहाँ पर एक खेत में रुपाई हो रही है। वैसे मैं आपको अपने गांव का नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा लग रहा है। हमारे बगल वाले खेत में ताऊजी लोगों ने भाई कीवी लगा दी है। इस वाले खेत में भाई ताऊजी लोगों की कीवी काफी अच्छी हो रखी, ये देखिए गजब। तो चलिए भाई, खेत में पहुंचते ही मुझे चाय ऑफर की गई, तो चाय का मजा लेते हैं। और खेतों में चाय पीने का मजा ही कुछ और है, क्यों जी ज्योति जी हैं जी। हाँ, तेरा चश्मा ने डूब गया रोपड़ी में। दो बैलों की जोड़ी, ये वाला बिन्ना भाई माँ जी लोगों ने काफी उपाड़ दिया है। और इसका जो बीज है नहीं होना, इसको उपाड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही क्योंकि ये मुलायम नहीं हो रखा। भाई दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद लगभग लगभग मैंने ये खेत भरी दिया है। रखवाली करनी पड़ती है ताकि कोई ऊपर से पानी बंद ना कर दे, तो ऐसे ही होता भाई गांव में नजर हटी और दुर्घटना घटी। मेरे पीछे ये आवाज सुन रहे हैं ना, नी 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 नी, इनको हमारे गांव में नीनियारे बोलते हैं। रात होने लगती है वैसे ये आवाज निकालना शुरू कर देते हैं, तो इससे पता लग रहा है भाई कि हल्की हल्की रात पड़ने लग गए। तो दोस्तों अभी शाम के बज गए हैं 7, और देखिए लोगों की लाइट भी खुल गई है। तो दोस्तों अभी शाम के 7 बज गए हैं और लोगों की लाइट भी खुल गई है, हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ में आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्दी आपको एक और नई वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का रखना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।